नहीं नहीं तुम खाओ, आ रहा तुम खाओ। अरे ये लाए बकली, रुको चलो तुम ये वाले ले लो। पानी लाया था। दांत तुम लग रहा है मेरा। बहुत बढ़िया चीज है खाने वाले, बच्चों की चीजें लगती अच्छी है। और लायबा मांग गई बुरा, और लायबा चली गई नीचे अपने घर में। और जब ये छोले कुलचे खा रही थी, जब इसको भाई की याद नहीं आई, अब भाई ये खा रहे हैं तो बुरा मान के वो चली गई नीचे। आधे से ज्यादा तैयारी तो मैंने कल कर ली थी कि चांद रात होगी, लेकिन ये है कि कल चांद रात नहीं हुई। लेकिन मैंने फुल तैयारी मेरी थी, मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं कोफ्ता बनाऊंगी। सामान भी मैं ले आई थी कोफ्तों का, लेकिन मैंने उठा लिया था, तो मैंने फिर बनाए थे दाल चावल। तो अब ये है नेक्स्ट डे, तो अब मैं बना रही हूँ अगले दिन का। और आज तो 100% चांद रात है। तो जब सुबह में ये दे गए थे मुझे 500 रुपये, तो मैंने सोचा 500 रुपये की शॉपिंग कर आती हूँ थोड़ी सी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था सच बताऊँ, लेकिन ये ना अब ना अम्मा फेस भी जिद करके मंगाते हैं मेरे से। और ये मैं लेकर आई थी दोनों के लोअर, और बिल्कुल अभी अभी आके बैठी हूँ मैं। ये रहे अम्मा का और ये रिया फेस के, दोनों के ये एक ही साइज ले आई मैं। अब मैं क्या करूंगी ना, फेस का ना कटिंग कर दूंगी यहाँ से, इतना इतना कट करके, और यहाँ पर तो इलास्टिक है ही, तो अपना ये बिल्कुल फिटिंग का कर दूंगी। क्योंकि इसका ना कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा था, फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा था, तो तुम्हारे मैंने बड़ा ही ले लिया। और इसके अलावा ये मैं लेकर आई हूँ लायबा का हिजाब, क्योंकि रमजानों में अच्छा लगेगा हिजाब, और बहुत ही प्यारा लग रहा है हिजाब। लग रहा है अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी क्योंकि लायबा रो रही है, तो अभी तो वो पहन के दिखाएंगी नहीं, जब उन सही होगा जब पहन के दिखाएंगी वो। और इसके अलावा भी ये लेकर आई हूँ मैं गिलास, कांच की गिलास है, और ये कांच की गिलास है। नहीं ना, लग रहा है आपको कांच के, ये कांच के नहीं, प्लास्टिक के, लेकिन ये फाइबर के हैं। ये फाइबर के, फीवर के, फीवर फीवर नहीं, फाइबर फाइबर। और ये बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है मेरा, और तो इस मारे में यही वाले ले आई थी ग्लास, क्योंकि टूटने का भी डर, इतने से भी गिरते तो टूट जाते हैं कांच वाले। नहीं कांच के भी है वो वाले रखे हुए हैं, अपना कोई मेहमान आएंगे तो उनके लिए अपना, लेकिन जो डेली में ये यूज होएगा। ये ले आई, वैसे ये कह रहे थे शोहर जी, कह रहे थे कि मैं स्टील के लेकर आऊंगा, तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा खुद लेकर आना। और इसके अलावा क्या लाई थी, हाँ एक चीज और लाई थी, क्या लाई अभी दिखा। ये मैं लेकर आई हूँ स्टॉल, क्योंकि अपना रमजान में कोई दावत करेंगे तो अपना ये है, बुरखा पुराना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताओ स्टॉल नया हो ना तो बुरखा भी नया ही लगता है। तो मैं इस हमारे ब्लैक ही लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एकदम कॉटन का है और एकदम हल्का है स्टॉल, बढ़िया भारी ना पहने नहीं जाते मेरे से भी। गर्मी में ठंडा ठंडा लगेगा ऐसे कपड़ों का, ठंडा लगेगा, एसी लगेगा, एसी एसी पिल्ली एसी नहीं, एसी सर पर रख के चल रही हूँ। काले पहला रोजा, काले पहला रोजा, रोजा सबको मुबारक हो, चांद रात मुबारक हो, नहीं पहले चांद रात मुबारक हो फिर रोजा मुबारक हो। यस, और आज बनाऊंगी मैं कोफ्ते। कोफ्ते की वैसे मैंने कल ही पूरी तैयारी कर ली थी, आज बस ये है कि मुझे कोफ्ते बना के रख लिए थे मैंने। ये है कि प्याज ब्राउन करके नहीं कर रहा था, जैसे चढ़ाया नहीं था, मसाला वसाला नहीं भूना था मैंने, अब मैं भून के कोफ्ते बनाऊंगी। और यकीन माना मैंने सुबह का ही नाश्ता कर रखा है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, और सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना कि सुबह से कुछ नहीं खाया, तो फेज ये कह रहा अभी तुमने ये नहीं खाया, ये क्या है, ये फालूदा। बता फ्रेश फालूदे के मैंने कितने चम्मच लिए, उतना सा चम्मच, और मैंने सुबह से नहीं खाया। कुलचे 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 तुम्हारा अब्बा ने खिला दिया, अरे तुम बोल नहीं खिला रहा था, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी। बच्चों को चाची के जाने कितनी लग रही, कल गए तो थे तुम, कल कैंसिल कर दिया था। अच्छा हाँ, कल व्लॉग में तो बोल दिया था, लेकिन वैसे कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ट्यूशन से सीधे घर आ गए थे। कह रहे हैं चाची को, चाचू को, मास को क्या रमजान मुबारक के करा हो गए, चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक, और फिर रमजान मुबारक।
और फिर ईद पे ईदी लेने जाना है? वो तो जाते हैं सब। ओए होए, वो तो जाते हैं सब। सही कह रहा हूँ। लाइबा का हो गया मुंह सही, और लाइबा भी जा रही है साथ में। लाइबा को गुस्सा है, कल नहीं जाने दिया था। मैंने तो कल कह दिया था ट्यूशन से आके चले जाना, ये खुद ही नहीं गए फिर। खुद ही नहीं गए थे हम भाई, देखो खुद ही नहीं गए थे। ऐसे भी कर लो, अच्छा लग रहा लाइबा का एग्जाम में। चलो मैं हम तुम्हें माफ करता हूं। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ठीक है? और दुआ करना अल्लाह से। हमारे तब की बार पूरे रोजे आएंगे। वो हमारे भी। ले इसका फोटो, इसका इसका मेरा फोटो खींचिए। थमले थमले का फोटो खींच ले। नीचे रख। मैं बेटी है, छोटी सी पाली सी छोटी सी बेटी है। और वो ये है ना, लाइबा से छोटे छोटे इतने हो गए ना, तो लाइबा भी बड़ी लगती है। पर भैया मेरे लिए तो मेरी छोटी सी है, छोटी सी छोटी सी मुन्नी है। रोजे रखेगी लाइबा मेरी। और पकौड़ियाँ, पकौड़ियों पर कम ध्यान देना, अल्लाह की इबादत पे ज्यादा ध्यान देना, नमाज पे ज्यादा ध्यान देना, सही है? बच्चे जा रहे हैं, और उधर कमरे में अभी तक भी कपड़े सूखे नहीं है मेरे, तो धोती के कपड़े भी निकाल लेती हूँ। इनका येलो वाला कुर्ता तो हुआ हुआ है, मैंने कर दिया था कल प्रेस, तो आज फ्री हूँ मैं। इसका लोग पता नहीं, एकदम नहीं लग। हो गया हम सब लोगों का टी टाइम। टी हमारी खूब अच्छे से पक गई है, उबल गई है। और थोड़ी आज मैंने चाय की पत्ती थोड़ी हल्की डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए जब मैं बनाती हूँ ना, तो थोड़ी पत्ती हल्की डालती हूँ। यहाँ पर रख दिया मैंने ऑयल, ऑयल हो गया गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई रख दी थी तो अजाने होने लगी थी, तो उस मारे मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मसाले को खूब अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं। मसाला भुन गया, इसमें डाल दूँगी मैं ये मैं दही और प्याज। ऐसे डाल के भी खूब अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ये शोर जी भी आ गए। बस बन गया, सिर्फ देखो मसाला तो तैयार है, बिल्कुल भुनाई हो गई है मसाले की, और कोफ्ते भी रेडी हैं। बिस्मिल्लाह। जब कोफ्ते डालें मसाले के अंदर, पानी नहीं डालें बिल्कुल भी, क्योंकि पानी डालने से क्या होता है, वो कोफ्ते फट जाते हैं। आप इतना नहाओ, एकदम रेडी मिलेगा आपको, नहा कर तो निकलो। और ये बनाए छोटे छोटे ये वाले कोफ्ते, क्योंकि जिन्हें सादे खाने हैं तो वो सादे भी खा लें। पहली सेरी में हम लोग खाएंगे कोफ्ते। अच्छा, ये खूब करते हैं ट्रिक के, 10 मांगती 10 देता 20 देते हैं। हम तो इतना दिमाग लगाते नहीं है। आज आप तो गली बनेगी। गली बनेगी? अच्छा जी, गली बनाते हुए हम लोग बनाएंगे और फिर तुम्हारी औलाद डिलीट कर देंगे। और ये बस भुनाई भुनाई पे करेंगे। वारा ना बगैर मोटर चले पानी बो। और ये बना लिए मैंने सारे पेड़े, और इधर भी बना लिए, क्योंकि शोर जी को हो रही है बहुत ज़्यादा, जल्दी फटाफट से रोटी बनानी है। ये कोफ्ते खूब अच्छे से बुनाई हो गई है, और ये देखें कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक गिलास भर के पानी। इसे क्या करना है, ये रख दूँगी मैं, ये रख दूँगी इस पे। और शोर जी आ गया मचा रहे हल्ला। तक नहीं बैठता। मन करता है।
और ये बन गई रोटी सारी, और कोफ्ते के साथ में ऐसी रोटी बहुत अच्छी लगती है, एकदम करारी भी अच्छी लगती है। लेकिन अब लेकिन शोर जी को तो ऐसी अच्छी लगती है, रोटी बना के रख लो। और ये कोफ्ते रेडी है, डिश में निकाली है मैंने कोफ्ते, और सिकंदर में डालूंगा ढेर सारा हरा धनिया। दो चम्मच कौन से लाएगी, डिश वाला चाहिए? डिश वाला चाहिए बेटे, लो प्लेट। अभी तो रात का खाना खा रहे हैं हम, लेकिन एक बार तो मैं तो सही खा लूंगी, क्योंकि अभी पहली शहरी में ना सही से खाया नहीं जाता है, पहली दूसरी शहरी में, फिर एंड में तो आदत हो जाती है हम लोगों को देर से खाने की या शहरी में खाने की। अभी पहली बार में नहीं खाया जाएगा हम लोगों से। ये कोफ्ते शहरी तक भी बचेंगे। रोटी पास कर दो बेटे। अच्छा यूं ही बैठे हुए थे, थैंक यू, बिस्मिल्लाह। धागा नहीं लिपटा आपके? हाँ धागा नहीं लिपटा, देखो फटे नहीं कोफ्ते। धागे से ही कहाँ जाता? चल अपना ले ले ले। और अम्मा तो छोटा कोफ्ता रख के बड़ा ले रहा, ले लो कोई बात नहीं। तो मन दे दूँ क्या? उसमें अंडा है, खा लो कोई बात नहीं। जाओ चांद मुबारक हो आपको भी, चांद मुबारक हो। ऐ तो बोल ही नहीं रहा, ये असल में नींद में हो रहा है बेचारे। लाइबा तो बेस वोशन पे चढ़ के वजू कर रही हो, गिर मत जाना तुम, क्या कर रही हो? शोर जी खाना खा के एकदम लेट गए थे, तो उनको नींद आ गई थी, तो ये शक नमाज को ये खड़े तरावी पढ़ने जा रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने मुबारकबाद भी दी, तो उन्होंने रिटर्न में मुबारकबाद नहीं दी। तो चलो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और सबको रमजान मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है, अल्लाह पाक सबके रोज़े रमज़ान बहुत अच्छे जाएँ, ईद अच्छी जाए। और अब मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी वजू करने जा रही हूँ मैं, अब मैं मिलूँगी नमाज़ और वजू के बाद। और नमाज़ पढ़ के हम दोनों माँ बेटी फारिग हो गए हैं। और लेकिन सच बताऊँ अभी भी दिमाग में ना कहीं ये चल रहा है कि मैंने चांद मुबारक और रमज़ान मुबारक कहा, उन्होंने रिटर्न में मुझे मुबारकबाद नहीं दी। पर चलो छोड़ो, क्या दिल छोटा करूँ मैं अपना। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग मत करना, अगर आपको कोई चांद मुबारक है, रमज़ान मुबारक है, ईद मुबारक है, तो आप ज़रूर कहना पलटे में, क्योंकि ऐसा लगता है हाँ मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली है हमें। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, हमें तो आदत पड़ गई है। और आज कल से हमारी बिल्कुल नई रूटीन होगी, क्योंकि कल होगा रोज़ा, आज नमाज पढ़ी है तरावी, ये लोग पढ़ने गए हैं, तो कल से तो बिल्कुल ही रूटीन अलग होगी। अब देखते हैं कल का व्लॉग मैं कैसे बनाती हूँ कैसे नहीं बनाती। रोज़े में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है भाई लाइबा, रोज़े में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अल्लाह हिम्मत देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तरावी करें, इबादत करें, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, और सबसे अच्छे से प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें। और क्या लाइबा बोलो, ओए बोलो। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।